Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today? तो कोई भी एज हो, किसी भी किस्म का फंक्शन हो, हेयर बंस आर सो मच एलिगेंट टू वेयर. बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत एलिगेंट लगते हैं. अपनी मदर्स के लिए आप खूबसूरत से जूड़े जो है ये अप्लाई कर सकती हैं, उनको बना के दे सकती हैं और उनकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकती हैं. सच अ डिसेंट एंड एलिगेंट वे टू वेयर द हेयर्स. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Now today I'm gonna share with you three kind of hairstyles that are really easy that you can apply on your hair, or you can apply this on your mother, on your elder sister, or on your puppy's hair. Yes, definitely you can try these on your aunts. बहुत ही elegant लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, खासकर functions पे. उनके बाल थोड़े सिमटे हुए हों, अगर आपकी थोड़ी सी age है तो उन hairstyles को apply करना करके आप बहुत elegant look create कर सकते हैं. लो जी, इतनी बातों में मेरा जूड़ा जो है ना वो complete भी हो गया. अच्छा जी, ये क्या करना है, आपने पोनी करनी है अपनी, और आपने उस पोनी के एक एक सेक्शन को जो पोनी से ऊपर बाल है उनसे आपने फ्लिप करते जाना है, यानी कि आपने उनको बाहर निकालते जाना है. और फिर जब आपके ऊपर के जो बाल बाहर निकल आएंगे उन बालों को आपने सिंपल ट्विस्ट कर देना है, या फिर आप उनकी थ्री स्ट्रैंड ब्रेड जो है वो भी आप बना सकते हैं. आपके बाल जो है वो खूबसूरती से जो है वो सेट हो जाएंगे. अब इन बालों को आपने ट्विस्ट कर देना है और इनके हल्के हल्के बबल्स हैं वो आप बनाकर जो नीचे के बाल हैं उनको दोबारा से राउंड करके आप हेयर्स के साथ अटैच कर देंगे और खूबसूरत से हेयर बंस आपके कंप्लीट हो जाएगा. नाउ दिस थर्ड वन हेयर स्टाइल इज बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो और भी ज़्यादा एलिगेंट है, खासकर अगर आपके बाल थोड़े से पतले हैं तो फिर ये हेयर स्टाइल और ज़्यादा खूबसूरत लगता है. आपने दो पोनीज़ कर लेनी है. फ्रंट सेक्शन से आप हल्का सा बम्प, हल्की सी बैकोमेंट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा एक फंक्शनल वाला लुक आता है. हेयर स्प्रे से आप उसको सेट कर लें, आप चाहे तो ऊपर से बबल्स भी निकाल सकते हैं हेयर पुल करके. अब आपने जो दो पोनीज़ की हैं उन दोनों पोनीज़ को आपने आपस में गिरा लगा देनी है. अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए तो आप इसमें डेफिनेटली यू कैन यूज़ अ डोनट बन, और अगर आप इसी तरह थोड़ा सा स्मॉल हेयर स्टाइल ही लेकर चलना चाहते हैं इट्स टोटली अप टू यू. आप इस जो गेरा लगाई है इसको आपने हेयर पिंस के साथ आपने सिक्योर कर देना है. अब आपने दोबारा से एक और गेरा लगानी है और हमारे जो बबल्स हैं वो बन जाएंगे, हमारा जूड़ा जो है ना वो बन जाएगा विदाउट अप्लाइंग टू मच हेयर पिंस. तो यहाँ पर दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बालों में बहुत ज़्यादा पिनें अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी. सिर्फ आपने एक जब आपने गिरा लगानी है तो एक पिन लगानी है, और जब आपने दूसरी गिरा लगानी तो आपने दूसरी पिन लगानी है. दैट्स इट, टू पिन्स के साथ आपका जूड़ा जो है वो बन जो है वो कंप्लीट हो गया है. अब हमने इसको एक्सेसराइज करना है, इसको और खूबसूरत कैसे बनाना है, वीडियो में मेरे साथ बने रहें. चलिए जी, जैसे ही आपका जूड़ा जो है वो पिन से सिक्योर हो जाएगा तो आपने जो बचे हुए बाल हैं आपने उनको दोबारा से टक इन कर देना है, जूड़े को सिक्योर कर देना है, और यहाँ पर हमारा हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पीछे से. अब जो आपने फ्रंट वाले सेक्शन से बाल छोड़े हैं उनसे हम अपने बालों को स्टाइल करेंगे, और वो किस तरह करेंगे, कितना आसान है ये बनाना. बस आपने दो गिरा लगाई है और उनको पिन से आपने सिक्योर कर दिया है. अब उसको आप हल्का हल्का पुल कर दे तो उसमें एक टेक्स्चर आ जाएगा और आपके हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. चलो जी, अब फ्रंट सेक्शन से बना लेते हैं वो कैसे बनेगा. अच्छा, देयर इज़ अ फैशन मिथ कि जैसे ही आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती जाती है आप अपने साइड मांग से जब हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो आपकी एज के हिसाब से आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सूट करता है, और जितने यंग एज के लोग हैं वो मिडल पार्टिंग करेंगे तो या उनका लुक जो है वो ज़्यादा यंग लगता है. फ्रंट से हमने बालों को बहुत ही सेक्शन लेते जाना है और हमने बालों को ट्विस्ट करते जाना है. ट्राई जरूर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैं आपके हेयर स्टाइल से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैंने एक हेयर स्टाइल ट्राई किया है. ट्राई करना इज द की. जब तक ट्राई नहीं करेंगे हाउ डू यू नो दैट यू कैन नॉट डू समथिंग इन योर लाइफ. सो यू हैव टू ट्राई समथिंग. और वो सारी मेरी यूट्यूबर फ्रेंड्स जो यूट्यूब चलाती हैं और यूट्यूब यूज करती हैं, वीडियोज बनाती हैं, तो
तो आप अगर वीडियोस बना सकती हैं, अपना टाइम निकाल कर इतनी एफर्ट करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तो अगर इस तरह का हेयर स्टाइल भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो यकीन माने आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। आई नो दैट, सो यू नीड टू बिलीव दैट। तो आपने बालों को हल्का पुल करके उसको स्टाइल कर लेना है, और जितने आपके बाल पीछे से ट्विस्ट हुए हुए हैं उनको अपने जूड़े के गिर्द आप रैप कर देंगी और पिनों से सिक्योर कर देंगी। उसके बाद आपने खूबसूरत सी एक एक्सेसरी लेनी है और अपने बालों को और इन्हांस कर देना है। और जी फंक्शन पर आपकी वाह ना हुई तो मेरा नाम चेंज कर देगा, ब्यूटिफुली ब्लेस्ड से मेरा नाम मोना ही रख देगा। चलो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मेकिंग और गिविंग मी एन इंस्पिरेशन टू मेक मोर ऑफ दीज फन हेयर ट्यूटोरियल्स। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू। एंड बिफोर यू लीव, यू कैन चेक आउट ऑल दीज हेयर स्टाइल्स दैट आई हैव शेयर्ड बिफोर, एंड आई एम श्योर यू लाइक देम टू एज वेल। थैंक्स सो मच यू गाइज। अल्लाह हाफिज़।